रोहतक में मात्र 30 मिनट की बारिश ने बुरा हाल कर दिया। मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम रोहतक की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर खड़े हैं, लेकिन मेरे घुटनों तक यहाँ पर पानी आ रहा है। और सामने आप देख सकते हैं कि ये एक सरकारी बैंक है और इस बैंक के अंदर तक पानी गया हुआ है। हालात ये है कि यहाँ पर काम काज जो है वो रुक गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो ATM है उनमें भी पानी चला गया है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं क्योंकि मशीनें काम नहीं कर रही। इसके अलावा सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस है और इसमें भी जो है पानी भरा पड़ा है। जो कर्मचारी हैं वो बाहर खड़े हैं। कुल मिलाकर जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो जो दावा करते रहे हैं कि शहर में मॉनसून के लिए जो तैयारियां की गई हैं वो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन सामने जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये उन दावों की पोल खोल रहा है। ये रोहतक का पोस इलाका है जहाँ पर पानी भरा पड़ा है। अब मात्र आधे घंटे की बारिश यहाँ पर हुई थी, इस बारिश ने ही प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल पा रहे हैं। लोगों की जो बाइक है वो बीच रास्ते में ही ख़राब हो रही है। इसके अलावा एक बुज़ुर्ग महिला है, आप देख सकते हैं कि पानी से ही होकर गुजरने पर मजबूर है। कहाँ से आए हैं आप? तो बारिश मात्र 30 मिनट बारिश हुई है। बारिश के दौरान आप देख सकते हैं कि बहुत डर लग रहा, कदा गिर ना जाओ, सीवर सावर में गल जावा। तो आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सामने एक महिला है वो भी पानी से होकर गुजरने के, क्योंकि हम ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दावा करते रहे हैं कि हमने मानसून की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं, लेकिन पानी अभी तक खड़ा है। बारिश की बात की जाए तो करीबन 2 घंटे हो चुके हैं बारिश को हुए, लेकिन पानी अभी तक यहाँ पर खड़ा हुआ है। हम भी पानी में उतरे हैं। जो ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाना ज़रूरी है, दर्शकों को दिखाना ज़रूरी है, ताकि जो प्रशासनिक अधिकारी सरकार जो नेताओं के सामने जो दावे करते हैं उनकी भी पोल पट्टी यहाँ पर खोली जा सके। करीबन 200 मीटर तक जो है पानी भरा पड़ा है, घुटनों तक पानी भरा पड़ा है। 2 घंटे की बारिश हो चुकी है, 2 घंटे की बारिश के बाद भी ये हाल है। और सबसे बड़ी बात, जो जन स्वास्थ्य विभाग का जो कार्यालय है उसमें भी पानी भरा पड़ा है, क्योंकि यही वो विभाग है जो इस तरह शिविर को देखता है और पानी जिस तरह से पानी भर जाता है उसकी निकासी ये करता है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक।